प्रेम प्यार की कविताएं हो गई। अच्छा, शुरुआती प्रेम से हुई थी। वो भाई नदी में पैर, पानी में पैर डाले बैठा था, जहां पीने के लाले है, अद्भुती काम था। और ये कल्पना में जी रहे हैं, पता नहीं कैसा प्रेम है। हमने भी किया था भाई। अच्छा, हाँ, पानी में प्रेम, पैर डाल के हम भी बैठे थे, पानी में जवानी चली गई। ऐसा नहीं कि जैसा ये बताते हैं प्रेम प्यार में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल किस्म का आदमी हूं। हाँ। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने भी किए, कोई प्रेमिका हो तो अच्छी कविताएं लिखूं, मैं भी प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं। हाँ। लेकिन वैसा हुआ नहीं। प्रेम में कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं, जो मेरे साथ हुआ। आनंद लीजिएगा, अखियां लड़ गईं। वाह वाह, नहीं परिणाम सुनो। अखियां लड़ गईं, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो तीन चार जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। वाह बहुत अच्छे। देख लो, काफी लुटे पिटे लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं, डॉक्टर कुमार विश्वास जिन्होंने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या, आनंद लीजिएगा। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। पीछे तक चीख निकल गई लोगों की, काफी बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहा हूं मैं आपका एजेंडा, आ रहा हूं वहीं पर। तमाम लोग आए हुए हैं, प्रबुद्ध लोग आगे बैठे हुए हैं, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, सच बता रहा हूं, जैसे विवाहित भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहां तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहां तक लटकी होती है। अब जिन लोगों का हो गया उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, पर जो बचे हुए हैं उन्हें एक ज्ञान देना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। हाँ। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। हाँ, सच बता रहा हूं मैं, और ये सच्ची घटना है बिल्कुल। एसएसपी साहब बैठे हुए चले गए, बैठे हैं रे। सर मैं अपने यहां की सच्ची घटना बता रहा हूं। एक पत्नी ने अपने पति में गोली मार दी, पुलिस पहुंच गई, इंस्पेक्टर साहब ने एसएसपी साहब को कॉल किया कि साहब एक पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी। बोले कारण क्या है? बोले जी वो पोंछा लगा रही थी और पोंछा गीला था, पति मना करने के बावजूद गीले पोंछे में घुस गया तो उसने गोली मार दी। बोले अच्छा, गिरफ्तार कर लिया? बोले साहब नहीं। बोले क्यों? बोले अभी पोंछा सूखा कहां है। आनंद लीजिएगा। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े, अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। हाँ। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी।